या मुस्तफा, या मुस्तफा। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुजूर की खिदमत में बैठे हुए थे, फकाल, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बैठे बैठे इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर कोई अजनबी शख्स तो नहीं, तुम्हारे अंदर कोई गैर तो नहीं, खास खास ही हो ना, यानी कोई अहले किताब से तो नहीं। मैंने कहा हुजूर कोई नहीं, सारे अपने हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा दरवाजे को कुंडी लगा दो, फिर फरमाया हाथ खड़े करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे अपने हो, सारे अपने, कोई गैर तो नहीं, नहीं, कुंडी लगा दो, लग गई कुंडी। कब हाथ खड़े करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगली बात सुनो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए, ऐ अल्लाह तेरी तारीफें हैं, तूने मुझे हक के साथ इस कलमे के साथ मबूस किया, तूने वादा किया है, मुझे हुक्म दिया इस कलमे की तबलीग का, इसके पैगाम की नशर व तौज़ीह का, इस कलमे के नूर को एक एक सीने में उतारने का, मालिक मैंने वो उतारा और मैंने उस पैगाम को पहुंचाया। मालिक फिर तूने इस कलमे के हामिलीन के लिए जन्नत का वादा भी किया है और तू वादे भी सच्चे करता है, तेरा वादा झूठा नहीं होता, तू वादे पूरे करता है। अल्लाह अकबर, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। सुम्मा काल, फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया बशारत हो, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारी खताएं माफ कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए। तो सहाबा को अल्लाह के महबूब ने बशारत दी।